Buddy shark do 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 buddy shark, buddy shark do 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 buddy shark. Buddy को कहीं पे भी पकड़ो वो काटता है, देखो मैं यहां से हाथ पकड़ूंगा काटेगा. बडी शार्क, क्योंकि बडी शार्क है, बडी इज अ शार्क. बडी को पानी भी पसंद है, बडी को काटना भी पसंद है. तो बडी क्या हुआ, बडी हुआ शार्क. शार्क 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 शार्क. बडी आ, बडी नहीं, बडी आ, बडी नो, बडी नो, बडी नो नो, बडी नो नो स्टॉप. गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय. बडी ये क्या किया है, ये क्या किया है, चेक कर दिए सारे कवर में. नो नो, ये देखो ये क्या किया है, कुछ भी चीज हैंग कर रही हो बस तेरे मुंह में जानी है वो. हाँ, आपको बडी के बारे में एक चीज बताता हूँ. बडी बहुत चालू है, बहुत तेज है बडी. वो क्या करता है, जिस चीज को आप मना करो ना उसी चीज के बाद अपनी बोन खाने लग जाएगा. जैसे अभी बोन खा रहा है, और खाते खाते वो कब उस चीज को खाने लगेगा जो आपने मना करी है, आपको पता भी नहीं लगेगा. तो अभी आपको लग रहा है कि वो बोन खा रहा है, राइट, इट्स ओके. बट वो कब बोन से शिफ्ट होके कब वो प्लास्टिक पे आ जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा. तो बड़ी बहुत स्मार्ट है. और कब बोन से शिफ्ट होके, ये देखो आ गया ना, बोन से शिफ्ट होके दीवार पे, बहुत स्मार्ट है. बड़ी नो नो स्टॉप, बड़ी बड़ी स्टॉप, नो 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 नो, बड़ी नो स्टॉप, आओ यू बड़ी बड़ी नो, बड़ी बड़ी नो 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 नो. Stop, stop, stop. Good boy, good boy, good boy, good boy. तो आप जैसे कि देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है पपी बाइटिंग. बड़ी अभी 3 months का है, और अगर आप नया पपी लेने जा रहे हैं या पपी लाए हैं घर में ऑलरेडी, तो बी प्रिपेयर्ड. सबसे पहली चीज़ आप ये मान लीजिए कि पपी बाइट करेगा, क्योंकि देर आर टू रीजन्स फॉर दैट. पपी के टीथ आ रहे होते हैं, और पपी इज टीथिंग राइट नाउ, राइट. और पपी अपने माउथ से ही लाइक बाय च्यूइंग एंगेज करता है वर्ल्ड से. दैट वे ही एक्सप्लोर्स कि वर्ल्ड कैसा है, आसपास क्या चीज़ें हैं. परी नो स्टॉप, नो नो नो, परी नो, गुड बॉय, गुड बॉय. तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टॉप और रिड्यूस पपी बाइटिंग. स्टॉप करना तो पॉसिबल नहीं है. अगर आप पपी ला रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड. ये पपी बाइटिंग की हैबिट अबाउट 7-8 months तक रहती है पपीज़ को. बबी तो बड़ी तो अभी सिर्फ लाइक 3 months का है. तो ये हैबिट के लिए मैं तैयार हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि आपके हाथ मेरे जैसे दिखेंगे. एक स्क्रैच, दूसरा स्क्रैच, और ये वाला तो आज सुबह का ही है, ये काफ़ी फ्रेश है. लेग्स पे हैं मेरे स्क्रैचेस, इस हाथ पे हैं स्क्रैचेस, यहाँ पर है स्क्रैचेस. तो इसका मतलब ये नहीं आपके हाथ मेरे हाथ जैसे दिखेंगे. ये हैबिट बहुत कॉमन है. ये हैबिट 7-8 months तो रहेगी रहेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका डॉग एक शार्क है और आपके हाथ ऐसे दिखेंगे. बेसिकली मैं आपको एक यही ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो मैंने अभी करी, जो मैं करने वाला हूँ. अगर आप ऐसा करेंगे रोज़ एवरीडे तो वो इफ़ेक्ट होगा. हम ये ट्रिक कर रहे हैं, इट्स अबाउट अ मंथ, और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इफेक्टिव है. बारी बारी स्टॉप, नो, गुड बॉय, गुड बॉय. जैसे कि आपने देखा, एक मैंने नो वर्ड बडी को सिखा रखा है. जब भी मैं नो बोलता हूँ बडी रुक जाता है. तो आपको बारी बारी ऐसा वर्ड बोलना पड़ेगा, आपको बारी बारी ऐसा एक वर्ड आपको बड़ी को सिखाना पड़ेगा जिसका मतलब होता है कि बड़ी स्टॉप, ये एक्सेप्टेबल नहीं है करना. और आपको जब एक सेकंड का अगर एक पॉज आ जाए कि बड़ी रुकता है, तब आपको उसको प्रेज करना है. कि जैसे आपने देखा बड़ी एक सेकंड के रुका, तो मैंने वहीं पर बड़ी को प्रेज किया कि बड़ी गुड बॉय. उसको बड़ी को लगता है कि वाओ, दैट समथिंग आई डिड वॉज ग्रेट, मुझे ऐसा ही करना चाहिए. बाइटिंग में मुझे नो बोलते हैं लोग, मेरे ह्यूमंस मुझे नो बोलते हैं बाइटिंग में. पर जब मैं रुकता हूँ वो मेरे को प्रेस करते हैं, आई थिंक आई डिड समथिंग गुड. तो आपको डॉगी को यही सिखाना है. और दूसरी चीज़, उसके डिस्ट्रैक्शन के लिए एक टॉय कुछ भी आप उसके मुंह में डाल सकते हैं. उससे क्या होगा कि उसको पता लगेगा कि बाइटिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, टॉय इज एक्सेप्टेबल. यू कैन बाइट द टॉय बट यू कैन नॉट बाइट माई हैंड, यू कैन नॉट बाइट द फर्नीचर. आपको यही सिखाना है. तो जैसे कि आपने देखा, मैं जितनी बार भी मैं बड़ी बड़ी नो 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 स्टॉप, गुड बॉय, जितनी बार भी मैं बड़ी को नो बोलता हूँ तो बड़ी स्टॉप करता है, और ऐसे वो रिड्यूस होगा. स्टॉप करना एकदम पॉसिबल नहीं है बड़ी के लिए, क्योंकि नेचुरली बड़ी के अभी टीथिंग यू नो इज टीथिंग राइट नाउ. सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू स्टॉप बाइटिंग एट द मोमेंट. एंड ही इज़ अ पपी, ही इज एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड. सो एटलीस्ट ऐसे करके आप डेली करेंगे
डेली में बहुत बार करेंगे क्योंकि यू नो ऑल द टाइम ही इज बाइटिंग मी, यू नो बाइटिंग द फर्नीचर. अगर आप ये ट्रिक बार बार करेंगे तो एक महीना हो गया हमें करते हुए, आई कैन सी द रिजल्ट्स. आई होप योर आपका डॉगी रिजल्ट थोड़ा जल्दी प्रोड्यूस करे, बट थोड़ा टाइम लगेगा. बट दिस इज हाउ यू रिड्यूस द पपी बाइटिंग. लेट्स टेस्ट इट अगेन, वंस अगेन बडी. तो अभी वो मेरे को बाइट कर रहा है. बडी नो नो, गुड बॉय गुड बॉय. ओके टेक दिस, गुड बॉय. ओके टेक दिस, गुड बॉय गुड बॉय बडी गुड बॉय. तो बेसिकली आइडिया यही है, जब भी आपको बाइट करे, फर्नीचर को बाइट करे, किसी भी चीज़ को, पर्दे को बाइट करे, जो भी चीज़ आप चाहते हैं कि वो बाइट ना करे, आपको एक नो वर्ड का यूज़ करना है ताकि वो बाइट करना रोके. और जिस एक स्प्लिट सेकंड के लिए वो रुकता है आपको उसे प्रेस करना है ताकि डॉगी को पता लगे, पपी को पता लगे कि यू नो आई डिड समथिंग गुड, दिस इज़ समथिंग आई शुड डू, ताकि मुझे प्रेज मिले, मुझे ट्रीट मिले. और हाँ, डू मेक श्योर आप पपी को कभी मारे नहीं, क्योंकि मारने से यू नो इट कैन गेट अग्रेसिव. और कभी पपी को बाइटिंग के टाइम पे ट्रीट ना दें, क्योंकि उससे उसकी बाइटिंग और इन्हांस हो सकती है. ट्रीट इज़ लाइक यू नो यू डिड रियली गुड. सो और अपार्ट फ्रॉम दिस सजेशन, मेरे पास आपके लिए दो टिप्स और हैं. सेकेंड टिप ये है कि अगर आप अपने डॉग या पपी के साथ बैठे हैं, ये वाली टिप करने के बाद भी अगर आपका पपी यू नो आपको बाइट करे जा रहा है, तो आप वहाँ से उठ जाएँ. इससे क्या होगा कि यू नो इंस्टेड ऑफ शोइंग अग्रेशन, आप अपने पपी के ऊपर अग्रेशन ना शो करें, इंस्टेड आप वहाँ से उठ जाएं और पपी को बाइट करने का मौका ही ना दें. तो दैट्स द सेकंड टिप. एंड थर्ड टिप ये है कि अगर यू नो अगर ये वाला टिप करने के बाद भी अगर आपका पपी यू नो आपका फर्नीचर बाइट करे जा रहा है, आपको बाइट करे जा रहा है, और मे बी रुक जाता है, वो फिर से बाइट करना शुरू कर देता है, मे बी यू नो वो आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहा है, इसका मतलब है कि आपका पपी बहुत एक्टिव है इस टाइम पे. और उसका मतलब है आप यू हैव टू मेक हिम टायर्ड. सो आप उसके साथ एक्सरसाइज करें, लाइक मे बी लाइक यू नो थोड़ी रनिंग करें, या फिर उसके साथ फेच का गेम खेलें, उसको किसी तरीके से भगाएं और उसको थोड़ा सा टायर्ड कर दें ताकि यू नो वो बाइटिंग करना छोड़ दें. दीज आर माई टिप्स फॉर यू. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स और बड़ी की फनी वीडियोज़ मैं इस चैनल पर डालूंगा. All right guys, I'll see you in my next video. Buddy, buddy come. Okay, buddy treat. Buddy food. Buddy, क्या कर रहे है? क्या कर रहे है? चेयर खा रहा है. देखिए तेरा क्या हाल किया चेयर का तूने? Already खा के. Okay, no stop. Stop. गुड बॉय बड़ी गुड बॉय. ये लो लो बॉल से खेल लो. गुड बॉय बड़ी. क्या कर रहा है बड़ी? हमारा फर्नीचर बाइट कर रहा है तू? अच्छा अच्छा, नहीं वो सब तो ठीक है, पर फिर भी बाइटिंग अलाउड नहीं है दोस्त. बड़ी वो आयरन है बेटे. ओके बड़ी स्टॉप. नो बड़ी, देख क्या हाल बनाया तूने फर्नीचर का, खा खा के. ये देखिए जरा कितने मार्क्स आ रखे हैं. ये देखो, अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि बरी के पास टॉयज नहीं है या चीव करने के लिए बोन्स नहीं है, शायद इसलिए वो ये सब चीज़ें खा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. बरी के पास ये सारे टॉयज हैं, ये सारी बोन्स हैं. ये है, ये बोन थी जब उसके यू नो इनिशियल दांत थे. ये वाली बोन है जब एडल्टीज होती है. बरी को ये भी दे दी जा चुकी है. ये बीच की स्टेज के लिए बोन है. और ये सारे चीव टॉयज हैं. और मिस्टर बरी ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉय के साथ 5 मिनट खेलते हैं, फिर वो बैक टू अपने फर्नीचर या दीवार के पास पहुंच जाते हैं. बड़ी तुझसे बात कर रहा हूँ मैं. बड़ी कोई अच्छा अच्छा ये अब ये खा ले, ये वाली बोन खा ले, ये तुझे पसंद है ना ये वाली? नहीं, अच्छा ये चिकन खा ले, ये तो तेरा फेवरेट है, ये देख. बड़ी कौन सा टॉय चाहिए? कौन सा टॉय चाहिए बता. वधू हैमबर्गर? हैमबर्गर नहीं, डकी. ओ डक चाहिए बड़ी को. ओके ओके ओके. अब बड़ी डक के साथ भी
पांच मिनट खेलेगा फिर बैक टू फर्नीचर। और लो पपी और लो। शाक 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 शाक।